गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू. इन आवर लास्ट लाइव सेशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट वी कंप्लीटेड द राइटिंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 6. नाउ देयर इज अनदर सेक्शन नीड टू बी स्टार्टेड. सो आफ्टर राइटिंग जंक्शन देयर इज ए स्पीकिंग एंड लिसनिंग जंक्शन. So for the speaking and listening junction, I have to conduct some of the activity. There is an activity we need to conduct all those things. We need to do those things. So what I'll do after the writing section, there is one more section that is based on the written part. That is a comprehension junction. So comprehension junction ko aaj main shuru karunga. Aaj hum comprehension junctions ko padhenge. Thereafter for the speaking and listening junction, I would be sharing some of the activity. Kuch activity main aapko ghar pe karne ke liye dunga. देर आफ्टर उसके बाद ही आप लोग करना शुरू कर पाएंगे. ओके क्योंकि स्पीकिंग जंक्शन में आपको बोलना होगा. स्पीकिंग जंक्शन में आपको बोलना होगा और आप अभी बोलेंगे है नहीं तो पूरा सेशन खराब हो जाएगा. स्पीकिंग जंक्शन इज दैट वेयर स्टूडेंट्स हैव टू प्रैक्टिस द स्पीकिंग. बोलना जहां पे वो प्रैक्टिस करें तो इस ऐसे में दो चार बच्चे सिर्फ बोलेंगे तो मतलब क्या रह जाएगा. That is why, और listening section क्या होगा? Also I have to be get prepared. I would be narrating a story. एक story narrate करूँगा या जो भी वहाँ पे situation होगा उसके accordingly मुझे कुछ ना कुछ narrate करना पड़ेगा. You all need to listen carefully. आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा. तो as yet now I'm leaving both the section for the next session. Next session में मैं आपको कुछ activity दूंगा, homework दूंगा, उसको करके आएंगे. Speaking junction भी तुरंत का तुरंत हो जाएगा. Listening junction भी अगर समय रहा तो हम next session में ही complete करेंगे. But in this session, we are going to start the comprehension junction. And in the comprehension junction, there is a story. एक story है, उसको पढ़ना है, समझना है, फिर उसी पे based question के answer हमें लिखने हैं. समझ में आ रहा है? Yes sir. बेटा yes sir. Chapter number 6, आपको chapter पूरी तरह पढ़ाया गया, उसको explain किया गया English हिंदी में, सारे questions के answers भी discuss किए गए. ये कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन का जो स्टोरी होता है या जो पार्ट होता है या पैसेज या पोएम जो कुछ भी दिया रहता है, इट इज सपोज्ड टू बी डन बाय यू ऑल. ये आप लोग के द्वारा किया जाना मांगता है. अगर टीचर ही लिखा देगा देन हाउ विल आई असेस दैट की वेदर यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज और नॉट. आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ करके समझना सीख गए हो या नहीं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं, यही तो कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन में चेक किया जाता है ना. तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा तो मतलब क्या निकलेगा. इसको आप लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए. फिलहाल आप लोग देखते हैं ड्यूरिंग द लाइव सेशन आई वुड बी आस्किंग वन बाय वन. सभी लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसकी उसका मतलब भी बताएंगे, उसका हिंदी भी बताएंगे, जिससे मुझे पता चले कि वेदर यू ऑल आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज या द सेंटेंस और नॉट. ओके Yes, sir. Yes, sir. Starting. So let us start the session. Let us start to read the story. Very interesting stories there. बहुत ही अच्छी story. बहुत ही interesting है. पढ़ने में भी मजा आएगा. अच्छा लगेगा. राजपाल. Not राजपाल. आस्था मौर्या. You have to start. A long time ago, there were two sisters, Reena and Neena. Neena was soft spoken and gentle, while Reena was rude and arrogant. Rude नहीं है, rude है, rude. या पे आधा रा, या पे बड़ी बड़ा उ की मात्रा और फिर डा, rude. ठीक है, rude. Yes. बेटा इसका आपको हिंदी में समझाना है. Also you can, if you मतलब if you can then also elaborate, also tell the meaning of these couple of sentences in your own language. जिस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में इसको समझाइए, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे जैसे. बहुत समय पहले दो दो बहनें रीना और नीना रहती थी. नीना प्यार से बोलती थी और वो सीधी सादी थी, पर रीना बहुत अकड़ू थी.
बहुत ही रूड और एरोगेंट थी। चलिए बहुत अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास बेटा। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है। देर वर टू सिस्टर, दो बहनें थी। यहाँ पे देर वर है, पास्ट टेंस है, तो थी है नहीं, दो बहनें है नहीं, दो बहनें थी। नाम क्या था? रीना एंड नीना। नीना वाज सॉफ्ट स्पोकन, जो नीना थी वो बहुत ही मधुर बोलने वाली थी, बहुत ही अच्छा बोलती थी, ऐसा नहीं चिड़चिड़ा आप लोग की तरह है मेरी तरह। कई सारे है ना, पूछ लो तो तुरंत गुस्से में पड़ जाते हैं, जैसे कि मैं नहीं, मैं भी वैसा नहीं हूँ फिलहाल, थोड़ा सा डांट देता हूँ आप सभी को, पता लगे जब आप लोग गलती करते हैं। नीना वॉज सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। नीना जो है बहुत ही मधुर बोलने वाली थी, एंड जेंटल, और बहुत ही जेंटल मीन्स क्या होता है बेटा? जेंटल मीन्स आप लोग क्या समझ रहे हैं? सज्जन, जो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा बिहेव करने वाला। ठीक है विनय, अभी मैं पूछूंगा आपसे। नीना वॉज सॉफ्ट स्पोकन, जो नीना थी बहुत ही मधुर बोलने वाली थी, यानी मीठा बोलने वाली थी, और बहुत ही सज्जन स्वभाव की थी, यानी अच्छा सोचती थी, किसी का भला, किसी का बुरा नहीं सोचती थी, भला सोचती थी। वाइल रीना वॉज रूड, जो रीना थी बहुत ही रूड थी। रूड मीन्स क्या होता है? अक्कड़। क्या होता है? अक्कड़ यानी अशिष्ट, जो अपने घर वालों या लोगों का कहना ना माने, वो बहुत ही रूड होता है, तो बहुत ही रूड टाइप का आदमी है, किसी का कहना नहीं मानता, यानी एक तरीके से अशिष्ट, किसी के साथ अच्छे से व्यवहार ना करना, जो अच्छे से व्यवहार बिहेव नहीं करता दूसरों के साथ, वो रूड कहलाता है। क्या कहलाता है? रूड एंड एरोगेंट। एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स क्या होता है? एक तरीके से एरोगेंट क्या हो सकता है कि मतलब एक होता है प्राउड, प्राउड में होता है कि चलो अभिमान, लेकिन एरोगेंट मतलब एक अभिमानी, मतलब वो अभिमानी नहीं कि जो अच्छी फीलिंग दे, मतलब एक तरीके से घमंडी, घमंडी आप कह सकते हैं। ओके वेल, रीना बहुत ही अशिष्ट थी और एक तरीके से घमंडी स्वभाव की थी। ओके यस सर, नाम में मत कंफ्यूज हो जाना। नीना एक अच्छे स्वभाव की लड़की है, बहुत ही मृदुभाषी है, बहुत ही मीठा बोलने वाली लड़की है, जबकि रीना जो है वो कैसी है? शी इज अ रूड एंड एलिगेंट गर्ल। वो एक बहुत ही अशिष्ट और ही घमंडी टाइप की लड़की है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, नीना ने क्या हुआ। नीना यूज टू हेल्प हर मदर। नीना जो थी वो अपने, चलिए ठीक है मैं ही पढ़ूंगा तो कैसे काम चलेगा। बरखा वर्मा, रीड फ्रॉम यर। अनुष्का यादव, यू हैव टू रीड, बरखा इज नॉट कनेक्टेड वेल। नीना यूज्ड टू हेल्प हर मदर टू डू द हाउस वर्क व्हाइल रीना स्लेप्ट एंड प्लेड ऑल डे। मींस नीना अपने माँ की मदद कर, अपने माँ के घर की मदद करने में हेल्प करती थी, और जबकि रीना दिन भर सोती रहती थी या फिर खेलती। One evening, while their mother was cooking, she realized that there was very little water. एक दिन शाम को जब उसकी माँ खाना बना रही थी, तब रीना ने तब उसने सोचा कि हमारे घर पे बहुत ही कम पानी रह गया है। She asked Nina to fill the pot with water from the nearby river. उसने नीना से कहा, तुम एक घड़ा पानी पास ही नदी से भर लाओ। नीना took the pot and started towards the river. एक पैराग्राफ। नीना used to help her mother to do the housework. जो नीना है used to help. नीना हेल्प एक होता तो नीना हेल्प करती थी, नीना यूज टू हेल्प तो नीना हेल्प किया करती थी, इसका इसका मतलब ये होगा। नीना जो है वो अपनी मदर की, उसके हाउस वर्क में नीना अपनी मदर की हेल्प किया करती थी, टू डू हाउस वर्क, अपने उसके जो घर का कार्य करने में अपनी मदर की जो नीना है वो हेल्प किया करती थी। व्हाइल रीना, जबकि रीना क्या करती थी? व्हाइल रीना स्लेप्ट एंड प्लेड ऑल डे।
जबकि रीना सोती रहती और दिन भर खेलती रहती, जैसे कि आप लोग आजकल कर रहे होंगे, है कि नहीं? कई सारे बच्चे करते हैं, होमवर्क नहीं भेजते हैं, वो ऐसे ही करते हैं. दे प्लेड ऑल डे, एक्चुअली दे प्ले ऑल डे. वन इवनिंग, एक शाम की बात है, वाइल देयर मदर वॉज कुकिंग, वाइल देयर मदर वॉज कुकिंग, वन इवनिंग, एक शाम की बात है, जब उसकी मदर खाना बना रही थी. अंचित कुमार मैं आने वाला हूं आपके पास. वाइल देयर मदर वॉज कुकिंग, जब उसकी माता जी खाना बना रही थी, शी रियलाइज दैट, उसकी मदर को रियलाइज हुआ, आभास हुआ, ऐसा लगा दैट देयर वॉज अ वेरी लिटिल वॉटर. उनको यह आभास हुआ, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि देयर वॉज अ वेरी लिटिल वॉटर, बहुत ही थोड़ा पानी बचा हुआ है. उनको ये पता चला कि बहुत ही थोड़ा पानी बचा हुआ है. सो सी आस्क्ड नीना, सो उन्होंने नीना से कहा टू फिल द पॉट विथ वॉटर फ्रॉम द नियर बाय रिवर. जो पॉट है उसमें घड़ा, पॉट यानी घड़ा, घड़े में पानी भर लाए फ्रॉम द नियर बाय रिवर, जो नजदीक का रिवर है, नजदीक की नदी से घड़े में पानी भर लाने के लिए कहा. क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर. संजीव कुमार बेटा बैठ जाइए. यस सर. अपना फोन हॉरिजॉन्टल व्यू में घुमा लीजिए. शिवांगी कनौजिया, स्टार्ट फ्रॉम हियर. Nina took the pot and started towards the river. Nina ने पॉट को उठाया और रिवर की तरफ, नदी की तरफ चल पड़ी. But on the way it became dark and she lost her. लेकिन वहाँ वह नदी के पास चलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई है ड्यू टू द नेटवर्क इशू. कोई बात नहीं. साक्षी, साक्षी बेटा जल्दी से आप शुरू करिए. नीना टुक द पॉट एंड स्टार्ट टुवर्ड द रिवर. नीना ने पॉट को उठाया और नदी की ओर चल पड़ी. बट द वे इट बिकम डार्क एंड सी नॉट हर वे. लेकिन लेकिन चलिए ठीक है, मैं समझाता हूँ. सभी लोग ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए. कई सारे बच्चे गलत भी पढ़ रहे हैं, कई सारे वर्ड्स को गलत पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है. नीना टुक नहीं है, ये टुक है बेटा, छोटा हो की मानता. नीना टुक द पॉट एंड स्टार्टेड टुवर्ड्स नहीं है, ये टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स. ठीक है, नीना टुक द पॉट, नीना ने पॉट को उठाया, या पॉट को उठाया नहीं, पॉट को लिया, घड़े को लिया, एंड स्टार्टेड टुवर्ड्स द रिवर. और स्टार्टेड मतलब शुरू किया, टुवर्ड्स द रिवर, रिवर की तरफ जाना शुरू किया. बट लेकिन अब ऑन द वे का भी तो मतलब आप सभी को बताना चाहिए. ऑन द वे मतलब क्या हुआ? रास्ते में. बट ऑन द वे, लेकिन रास्ते में इट बिकेम डार्क. इट बिकेम क्या हो गया, क्या आ गया? डार्क यानी अंधेरा छा गया. एंड शी लॉस्ट हर वे, और ऐसे में क्या हुआ? शी लॉस्ट, वह भूल गई हर वे, वो रास्ता अपना भूल गई, वह रास्ता भूल गई. शी वॉज स्केर्ड, शी वॉज स्केर्ड यानी वह डर गई थी. बट शी वॉकड ऑन, लेकिन वह चलती गई. सून जल्दी ही, शी मेट एन ओल्ड वुमेन. सून जल्दी ही, शी मेट एन ओल्ड वुमेन, वह एक ओल्ड वुमेन से मिली. मिलने के बाद क्या हुआ? अभिनय पांडे माइक ऑन करें जल्दी से. यस सर. अरे यहां से सर, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड हर हर लिटिल गर्ल वेयर आर यू गोइंग. जो बूढ़ा बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि छोटी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. At least you tried well. ये बूढ़ा आदमी नहीं है, the old woman. ठीक है, फिलहाल आदमी मत से क्लियर नहीं होगा. आदमी फीमेल भी हो सकती, मेल भी हो सकता है. सही कैसे है, गलत नहीं है आपका. द ओल्ड वुमेन, जो जो बूढ़ा नहीं, बूढ़ी, बूढ़ा वर्ड गलत है. जो बूढ़ी औरत ने क्या बोला, ने आस्क्ड हर, ये पूछा. देखो यहाँ पे जब आपका इंट्रो
जब आपका क्वेश्चन मार्क आए ना तो आस्क का मतलब होता है पूछना, और जब आपका फुल स्टॉप रहे तो इसका मतलब यह है कहना। क्लियर? यस सर। आपको फॉर द एग्जाम्पल शी आस्क्ड नीना, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब क्या, नीना से पूछा था घड़े घड़े में पानी लाने के लिए, या बोला था, कहा था? बोला कहा था ना, यहाँ पे आस्क्ड का मीनिंग आ रहा है कहना, क्योंकि फुल स्टॉप। और जब देयर इज ए क्वेश्चन मार्क, जब क्वेश्चन मार्क रहे तो आस्क का मतलब होता है पूछना, तो इसका दोनों मीनिंग होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? द ओल्ड वुमन आस्क्ड हर, जो बूढ़ी औरत थी उसने नीना से पूछा, क्या पूछा? लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां पे जा रही हो, आप कहां जा रही हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रही हो। देन उसके बाद क्या हुआ गौरव? Nina answered, my mother has asked me to get water from the Dandan river. बेटा, नीना ने जवाब दिया। ऐसे थोड़ा होता है कि हुआ बस मुंह से शुरू किया कुछ भी आप बोलते चले जाओ। Where is the comma? Where is the full stop? You should realize, you should utilize all those things. The comma, full stop का मतलब क्या रह जाएगा? और जैसे एक्सप्रेशन भी तो आपकी वाणी में आना चाहिए, आपके बोल जब आप पढ़ रहे हो तो जिस तरीके से कोई डांट रहा हो, शाउटेड, तो शाउटेड को शाउटेड बोलिए ना। तो यहाँ पे नीना आंसर्ड, नीना आंसर्ड माय मदर है, ऐसे नहीं, नीना आंसर्ड, नीना ने आंसर किया, क्या आंसर किया अब उसको पढ़ेंगे। माय मदर हैज आस्क्ड मी टू गेट वाटर फ्रॉम द दमदम रिवर। माय मदर हैज आस्क्ड मी टू गेट वाटर फ्रॉम द दमदम रिवर। एटलीस्ट यू ट्राई टू स्पीक इन अ वे जिससे लगे कि हाँ किसी को कुछ बता रहे हो। नीना ने आंसर दिया, बताने वाली लाइन में दिया ना, तो उसी तरीके से आपका भी शुरू होना चाहिए, उसी तरीके से आपका आंसर भी करना चाहिए। चलिए इसका हिंदी बताइए क्या हुआ इसका मतलब गौरव? नीना ने जवाब उत्तर दिया कि माँ, मेरी मदर, मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था कि तुम जाओ एक वो दंदन रिवर से पानी भर लाओ। वेरी गुड, नीना आंसर, नीना ने जो बूढ़ी माता जी ने जब क्वेश्चन पूछा था कि लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, आप कहाँ जा रही हो, तो इसके जवाब में नीना ने आंसर दिया था, क्या दिया? माय मदर हैज आस्क्ड मी, मेरी मम्मा ने, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा है टू गेट वाटर फ्रॉम द दमदम रिवर, पानी लाने के लिए, दमदम रिवर से पानी लाने के लिए कहा है। देन व्हाट हैपेंड, द ओल्ड वुमन सेड, हु इज लेफ्ट, सिमरन भारती, यस सर, जल्दी से यहां पे पढ़िए। द ओल्ड ओमन साइड बेटा साइड नहीं है बाबू, सैड है, सैड मींस होता है कहा। अब इसको आप इतना गलत पढ़ रहे हो, क्या बताएं, चलिए फिर से पढ़िए। सैड, The old woman said, "It is too dark for you to walk around alone. You can spend the night with me. I am all alone." बेटा दो चीजें आपने गलत पढ़ा, पहले बात ये walk नहीं है, यह है walk. L is a silent letter. Walk नहीं होता, talk नहीं होता, talk होता है। L साइलेंट लेटर होता है, एल का साउंड आपको नहीं निकाला जाता। ये वॉक, टॉक, ये सैड है, सैड मतलब दुखी भी होता है, लेकिन ऐसे डी सैड होता है, तो इसी तरह ये भी ऐसे आई डी भी सैड होता है, लेकिन ये सैड में, ये सैड नहीं होता, ये सैड होता है। द ओल्ड वुमन सैड, सैड मतलब कहा, द इसका मीनिंग बताइए सिमरन भारती जल्दी से। बूढ़ी औरत ने कहा, It is too dark for you to walk around alone. क्या कहा? It is too dark for you to walk around alone. इसका मतलब क्या हुआ? चलिए ठीक है, alone means क्या हुआ जरा बता दीजिए, alone means alone means लंबा होता है, क्या होता है यशवर्धन आप बताइए? अलोंग मीन्स दूर, और लॉन्ग, अलोंग मीन्स
बड़ा मतलब अकेला भैया दूर नहीं होता, फार मींस दूर होता है। द ओल्ड वुमन सैड, जो बूढ़ी औरत ने क्या कहा, बूढ़ी औरत ने कहा इट इज टू डार्क, यह बहुत ही अंधेरा है फॉर यू, इट इज टू डार्क फॉर यू, आपके लिए बहुत ही अंधेरा है, अकेले चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चारों तरफ अकेले चलने के लिए, इट इज टू डार्क, बहुत ही अंधेरा है, यू कैन स्पेंड द नाइट विथ मी, यू कैन स्पेंड द नाइट, स्पेंड मतलब क्या होता है, स्पेंड मतलब खर्चा करना, लोग समय खर्चा करते हैं, अभी आप लोग खेलने में समय स्पेंड कर देते होंगे, पढ़ाई में नहीं तो पैसे खर्चा कर देते होंगे, तो वो खर्चा करना मतलब जो खर्चा हो जाता है वो दोबारा आता नहीं, लेकिन एक होता है इन्वेस्टमेंट, स्पेंड इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है आप एक तरीके से जमा करना, आप पैसे भी जमा करते हो तो इन रिटर्न बाद में ज्यादा पैसे मिलते हैं, आप समय अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे तो इन रिस्पॉन्स आपको इसका भी फायदा बाद में मिलेगा, तो अपना समय इन्वेस्ट करिए, स्पेंड नहीं, स्पेंड मतलब होता है खर्चा करना। अब आते हैं आपकी स्टोरी पे, इट इज टू डार्क फॉर यू टू वॉक अलोन, अकेला चलने के लिए आपके लिए बहुत ही डार्क है, यू कैन स्पेंड द नाइट, आप यू कैन स्पेंड द नाइट विथ मी, आप जो नाइट को स्पेंड कर सकती हो मेरे साथ, यानी पूरी रात आप मेरे साथ रह सकती हो, मेरे साथ खर्चा कर सकती हो नहीं, मेरे साथ रह सकती हो, इसका सेंस, इसका आपकी स्टोरी के हिसाब से इसका मीनिंग ये निकल रहा है, स्पेंड मतलब होता है खर्चा करना, यानी आप रह सकती हो, इस तरीके से यही आप कहेंगे स्टोरी के भी आप में, यू कैन स्पेंड द नाइट विथ मी, आप मेरे साथ पूरी रात रह सकती हो, आई एम ऑल अलोन, मैं पूरी तरह अकेली हूं, तो बूढ़ी माता जी ने बोला, ठीक है, बूढ़ी औरत ने बोला, क्या बोला, आई एम ऑल अलोन, मैं पूरी तरह अकेली हूं, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, यशवर्धन सिंह आप पढ़िए, Daddy, I don't not care. I'm going to the Dham Dham River. Depends. Read the Rina Road behavior. The old woman asks her to stay with her for the night. When the old woman grabbed the grain of the rice to cook, she said, "Ah." कहाँ से पढ़ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? यहाँ से पढ़ना है. Nina agreed to stay with her. यहाँ से पढ़ना है. Nina agreed to stay with her. The old woman gave her from grain of rice to cook the clean and put it into the cooking pot. The pot was filled with the rice immediately. They had dinner together and went to sleep. Okay. Next morning. यहाँ पे cook के बाद full stop जहाँ पर है वहाँ पे रुका करिए. Cook, she cleaned. ये आप इकट्ठा बोल दिया, उसका meaning ही नहीं निकल पाया सही से. फिलहाल बताइए इसका मतलब, बताइए हिंदी बताइए. नीना राजी हो गई रात में सास रुकने के लिए. ठीक है, वेरी गुड. बूढ़ी औरत ने उसे एक ग्रेन दिया, राइस का टुकड़ा दिया और कुक खाना बनाने के लिए उसने सफाया और उसे कुकिंग पॉट में रख दिया. वेरी गुड. द पॉट चावल के दानों से भर जाता है और वे दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं और सोने चले जाते हैं. ये बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा यशवर्धन सिंह, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने. चलो पढ़ते फिर एक बार फिर से, सभी लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुने कैसे प्रोनाउंस, कैसे रीड किया जाता है. नीना एग्रीड टू स्टे विथ हर. नीना एग्री मतलब होता है सहमत होना, यानी सहमत हो गई, ये पास्ट टेंस हो गया यहाँ पे, एग्री नहीं है, एग्रीड है, यानी वो सहमत हो गई. नीना एग्रीड यानी नीना सहमत हो गई टू स्टे विथ हर, उसके साथ रहने के लिए. द ओल्ड वुमन गेव हर अ ग्रेन ऑफ राइस. यहाँ पे गिव नहीं है, गिव से गेव है, यानी पास्ट टेंस में ये भी बोला जा रहा है. The old woman gave. Old woman ने दिया, क्या दिया? Old woman gave her. Old woman ने उसको दिया, क्या दिया? A grain of rice. यानी
अनाज के रूप में चावल दिया टू कुक बनाने के लिए. समझ में आया? शी क्लीन्ड. यस सर. उसको साफ किया. देखो क्लीन्ड है तो क्लीन यानी हो चुका, पास्ट टेंस. शी क्लीन्ड यानी उसने उसको साफ किया. किसको साफ किया? चावल को. उसने साफ किया एंड पुट इट इन टू द कुकिंग पॉट और इसको कुकिंग पॉट के अंदर रखा. द पॉट वॉज फिल्ड विद द राइस इमीडिएटली और जो पॉट है वो पूरी तरह फिलअप हो गया, फिल्ड हो गया विद द राइस इमीडिएटली और जल्दी ही जो राइस से ही पूरा पॉट भर गया. दे हैड डिनर टूगेदर. दे हैड डिनर, हैव नहीं है यानी उन्होंने भोजन किया, पास्ट टेंस हो गया. हैव का हैड पास्ट टेंस है. दे हैड डिनर टूगेदर, उन्होंने डिनर एक साथ किया एंड वेंट टू स्लीप और सोने चले गए. सोने चले गए, वेंट है गो नहीं, गो टू स्लीप नहीं, वेंट टू स्लीप. यानी हमेशा हर जगह एक स्टोरी को कहीं ना कहीं बताने के लिए आपको पास्ट टेंस का यूज किया जा रहा है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा. दे हैड डिनर टूगेदर, उन्होंने दोनों ने साथ में खाना खाया एंड वेंट टू स्लीप और सोने चले गए. नेक्स्ट बरखा. नेक्स्ट मॉर्निंग नीना वॉक अप, cleaned the house and made breakfast. After they had eaten, the old woman told her the way to the Dandan River. Nina filled her vessel with water. The old woman was very happy with Nina's good behavior. She gave Nina a box and asked her to open it after she reached home. Nina thanked the old woman. When she reached home, चलिए बेटा बहुत बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया. बरखा आप एक बार आप यहाँ से पढ़िए, इसका मीनिंग बताइए जल्दी से, because some other students also they have to read. यहाँ से एक बार इसका मीनिंग बताना शुरू करिए. Next morning, अगली सुबह नैना woke up. नैना उठी. नीना woke up. woke नहीं है बेटा. नीना woke up. नीना जो नीना है, नीना से नैना याद आ रहा है, नैना की भी बारी बची है, अभी नैना को बोलूंगा पढ़ने के लिए. नीना वो कब, नीना, नीना जो है उठी, सोके उठी, उसके बाद क्या हुआ? Cleaned the house and made breakfast. उसने उठकर घर साफ किया और ब्रेकफास्ट बनाया. After the kitchen, उसको खाके the old woman filled her the way in the river. उसने बुरी औरत को चलिए ठीक है, मैं एक बार पढ़ता हूं. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह नीना woke up, नीना सोके उठी. क्लीन द हाउस, घर को साफ किया. क्लीन द हाउस यानी पास्ट टेंस में यहां पे भी है. क्लीन यानी साफ कर चुकी, साफ किया, घर को साफ किया. एंड मेड ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट बनाया. आफ्टर दे हैड ईटन, आफ्टर उसके बाद किसके, दे हैड ईटन खाने के बाद, उन लोगों के खाने के बाद, द ओल्ड वुमेन शोड हर द वे टू द दमदम रिवर. द ओल्ड वुमेन जो बूढ़ी औरत थी, शोड, शो मीन्स क्या होता है, शो मतलब दिखाना, तो शोड मतलब दिखाया, शो का शोन या शोड. The old woman showed her the way to the Damdam River. The old man ने उसको दिखाया the way to the Damdam River. Way means रास्ता. Damdam River जाने के लिए जो रास्ता है उसको उसकी मतलब बूढ़ी औरत ने उसको दिखाया. Nina filled her vessels with water. और फिर ऐसे में क्या हुआ, नीना ने क्या किया, अपने हर vessels, vessels means क्या होता है, पतीला, बर्तन. अब जो पॉट था, पॉट की जहां पे यहाँ पे वेसल यूज किया गया, पॉट को ही वेसल बोला गया है. ओके, जो नीना थी वो अपने बर्तन को पानी से भरी. द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी हैप्पी,
जो ओल्ड वुमेन थी वह बहुत ही खुश थी विद द नीनास गुड बिहेवियर, नीना के बहुत अच्छे व्यवहार से। शी गेव नीना अ बॉक्स, शी गेव नीना अ बॉक्स। बेटा शिवान्या चौधरी एक बार आप यहां से पढ़िए और आप बताइए इसका मीनिंग। She gave Nina box and asked her to open it. She reached home. Nina thanked the old man. When she reached home, she opened the box. The box was filled with tissues. She gave the box to her mother. Her mother was very happy. इसका हिंदी मीनिंग भी बताइए बेटा। जब वे घर पहुंचे तो वह बॉक्स को खोलकर देखे। चलो बेटा आपने कोशिश अच्छा किया, चलिए ठीक है। शिवान्या थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी, लेकिन शी वॉज डिस्क्राइब्ड, उसने अच्छे से रीड भी किया और मतलब भी समझ रही है, बता भी रही है। She gave Nina a box. उसने क्या किया, बूढ़ी औरत ने क्या किया, She gave, उसने दिया, क्या दिया, Nina, Nina को एक box दिया। And asked, और कहा, अब यहाँ पे देखिए ask के बाद देखो यहाँ पे full stop है, तो पूछा या कहा क्या बोला जाएगा, कहा 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 उससे कहा, क्या कहा, To open it after she reached home, यानी घर पहुंचने के बाद इसको open करने के लिए कहा। Nina thanked the old woman, नीना ने उस ओल्ड वुमेन को थैंक यू बोला, उसका धन्यवाद किया। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची, व्हेन शी रीच्ड यानी पहुंची, पहुंच चुकी है, पास्ट टेंस की बात। व्हेन, जब वह घर पहुंची, शी ओपेंड द बॉक्स, उसने बॉक्स को ओपन किया। द बॉक्स वॉज फिल्ड विद द ट्रेजर, विद द ट्रेजर्स, द बॉक्स वॉज फिल्ड, जो बॉक्स है वो भरा हुआ था किससे, विद द ट्रेजर्स, ट्रेजर्स मींस क्या हुआ, ट्रेजर्स मींस क्या हुआ, बॉक्स वॉज फिल्ड विद द ट्रेजर्स, यानी खजाने से बॉक्स जो है भरा हुआ था। शी गेव द बॉक्स टू हर मदर, उसने अपनी माता जी को वो बॉक्स दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माता जी बहुत ही खुश हुई। Now, next, शिवांगी त्रिपाठी। Zina watched all this and was jealous. She too decided to find old woman and get a treasure box. So when it was evening, Zina took the pot and started on a journey to meet. To meet the old woman. रीना ने ये सब देखा और शिवांगी त्रिपाठी बेटा, this is a met, not meet. She to met, meet नहीं है, MWT meet होता है, MET met है. Okay? Now read. Now describe the paragraph in more sentence. रीना ने ये सब देखा और ये सब देख के बहुत बहुत चर्चरी हुई, बहुत ही जेलस हुई। उसने भी निर्णय लिया कि वो भी बूढ़ी औरत को खोजेगी और एक खजाने का बक्सा पाएगी। जब शाम हुआ, सो व्हेन इट वाज इवनिंग, जब शाम हुआ, रीना ने पॉट लिया और अपना जर्नी स्टार्ट किया। सो तुम उसने उसे उसी वह भी बूढ़ी औरत से मिली अपने रास्ते में। वेरी गुड शिवांगी। रीना वॉच्ड ऑल दिस, रीना ने यह सब देखा, एंड वॉज जेलस, और एक होता ना कि जब दूसरे ने अच्छा किया, रीना कुछ भी नहीं करने वाली लड़की थी, दिन भर सोने और खेलने वाली लड़की थी, तो यह सब देख करके उसको जलन महसूस हुआ, यानी थोड़ा सा घृणा होने लगी उसको।
she too decided, उसने भी decide किया, ये too मतलब क्या होता है, T-double-O भी, एक होता ना, you should work, नहीं, you have to do, too means एक तरीके से कर सकते हैं भी, कोई भी example, she too decided, उसने भी निश्चय किया, उसने भी निश्चय किया, to find the old woman, उस बूढ़ी औरत को खोजने का, कि उस बूढ़ी औरत को खोजने के लिए उसने भी निश्चय किया, and get a treasure box, और जिसे खजाना मिल सके, उस बूढ़ी औरत से मिलने का और get a treasure box, उस खजाने वाला box पाने का उसने भी निश्चय किया, फिर क्या होता है? So when it was evening, so जब शाम हुई, जब शाम हो गई, Reena took the pot, Reena ने घड़े को लिया, pot को लिया and started on her journey, और अपनी यात्रा पे को शुरू की. She too met the old woman on the way. She too met the old woman on the way. On the way यानी रास्ते में, she too met the old woman, वो बूढ़ी औरत से वह भी मिली. और जब मिली तो क्या हुआ? देखते हैं. जब मिली तो क्या हुआ आदित्य? अरे बेटा. The old woman asks Reena, "What do you want and when are you going?" Okay, बताइए मतलब इसका. The old woman asks Reena. The बूढ़ी औरत ने रीना से पूछा, "What do you want and when are you?" क्या तुम द ओल्ड वुमन आस्क्ड रीना. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब आस्क मतलब पूछना. द ओल्ड वुमन आस्क्ड रीना, रीना से ओल्ड वुमन ने पूछा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो, और वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या चाहती हो और कहाँ पे जा रही हो. रीना रिप्लाइड, रीना ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया. क्या उत्तर दिया राजपाल, जरा पढ़ के बताइए. Reena replied, "Why are you concerned? Anyway, I do not care. I am going the Dun River." Reena ने उत्तर दिया, मैं चलिए ठीक है. रीना रिप्लाइड, रीना ने उत्तर दिया, जब उसकी जब बूढ़ी औरत ने रीना से पूछा कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो और कहां जा रही हो, तो क्या हुआ, रीना रिप्लाइड, रीना ने भी उत्तर दिया. क्या उत्तर दिया, व्हाई आर यू कंसर्न्ड, आखिर तुम्हें किस बात की चिंता है. अगर कोई रास्ते में मिले, कोई पूछे तुम क्या चाहती हो, कहां जा रही हो, तो रीना ने बताया था पोलाइटली, बहुत ही मृदुभाषी थी, अच्छे से बोलने वाली लड़की थी, लेकिन ये तो बहुत ही र्यूड थी ना, तो उसने बोला कि तुम्हें क्या मतलब, मतलब तुम क्यों चिंता करती हो, व्हाई आर यू कंसर्न्ड, कंसर्न मतलब होता है चिंतित होना, तुम्हें किस बात की, मतलब आप क्यों चिंता करती हो, आप क्यों चिंतित हो. एनीवे फिलहाल छोड़िए, आई डू नॉट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई परवाह नहीं करती. आई एम गोइंग टू द दमदम रिवर, मैं दमदम रिवर जा रही हूं. डिस्पाइट, अब यहां से कुछ लेफ्ट, आदर्श आदित्य आप दोनों में से कोई लेफ्ट है बेटा, नाउ कंटिन्यू प्लीज. दिस जल्दी से बेटा, समय खत्म हो रहा है. अंकित प्लीज आल्सो लेफ्ट अभी. दिस बैट रीना रन डिस्पाइट है, डिस्पाइट मींस होता है के बावजूद, इसके बावजूद. डिस्पाइट रीनास रूड बिहेवियर, रीना के बहुत ही रूड बिहेवियर के बावजूद, द ओल्ड वुमन आस्क्ड, ओल्ड वुमन ने अब आज मतलब पूछा या कहा, बताइए. आस्क्ड हर टू स्टे विथ हर फॉर द नाइट, व्हेन द ओल्ड वुमन गिव अ गर्नी ऑफ राइस टू कुक सी सेड आ. बेटा आप क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो,
टोपी लगा लियो, आपका दिमाग भी काम करना बंद कर गया। क्या लिखा है ये? जी आर ए आई एन, ग्रेन। क्या अभी आपने पढ़ा है? अंशित कुमार जरा पढ़िए, ध्यान से सुनिए, अभी आपको मैं फिर से बोलूंगा पढ़ने के लिए। वेयर द ओल्ड डिपॉजिट रीना रिव्यू, डिपॉजिट भैया, इसको डिस्पाइट में कितनी बार बोल चुका हूँ, डिपॉजिट अभी आप सुन रहे हो। Despite Rina rude behavior, the old woman asked her to stay with her for the night. When the old woman gave a grain of rice to cook, she said, "A single grain of rice? How can I cook a single grain of rice? A cooking pot? I cannot do it." बताइए इसका मतलब, बताइए। रीना ने अकड़ू व्यवहार से बोला कि द ओल्ड मैन, डिस्पाइट रीनाज बिहेवियर, बोलने की बात ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे डिस्पाइट में सोता कि बावजूद, यानी रीनास, ये रीनास है, रीना नहीं है, रीनास रूड बिहेवियर, यानी रीना के रूड बिहेवियर, रीना के रूड बिहेवियर, रीना के रूड बिहेवियर के बावजूद, रीना के अक्खड़ व्यवहार के बावजूद, द ओल्ड वुमन आस्क्ड हर टू स्टे विथ हर फॉर द नाइट, जो बूढ़ी औरत थी उसको अपने साथ रुकने के लिए कहा। व्हेन द ओल्ड वुमन गेव अ ग्रेन ऑफ, यहाँ पे काम ही रखना, उसी से चला रहा हूं, मेरा डेटा खत्म हो गया, उसी जी उसी चला रहा हूं। यहाँ पे था वहीं पे कर दीजिए, यहाँ पे चल नहीं रहा आपका जियो। डिस्पाइट रीनास रूड बिहेवियर, रीना के रूड बिहेवियर के बावजूद, द ओल्ड वुमन आस्क्ड हर टू स्टे विथ हर फॉर द नाइट, जो ओल्ड वुमन थी, जो बूढ़ी औरत थी, आस्क्ड हर टू स्टे विथ हर फॉर द नाइट, उससे अपने साथ रुकने के लिए कहा। व्हेन द ओल्ड वुमन गेव अ ग्रेन ऑफ राइस टू कुक, जब ओल्ड वुमन थी, When the old woman, यानी जब बूढ़ी औरत ने gave a grain of rice to cook, जब एक अनाज का टुकड़ा, यानी चावल के अनाज का टुकड़ा जब उसको बनाने के लिए दिया, she said, उसने कहा, क्या कहा? A single grain of rice, एक single grain of rice, यानी एक single, यानी एक छोटा सा अनाज का टुकड़ा, चावल के अनाज का टुकड़ा, how can I cook a single grain of rice in a cooking pot? मैं cooking pot में सिंगल ग्रेन ऑफ राइस को कैसे बना सकती हूँ, कैसे कुक कर सकती हूँ? आई कैनॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकती। द ओल्ड वुमन देन कुक डिनर फॉर बोथ, फिर उसके बाद क्या हुआ? द ओल्ड वुमन देन कुक डिनर फॉर बोथ, जो ओल्ड वुमन थी, जो बूढ़ी औरत ने दोनों के लिए खाना बनाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द ओल्ड वुमन शोड हर द वे, जो अगली सुबह, द ओल्ड वुमन शोड हर द वे, जो ओल्ड वुमन थी उसने दमदम रिवर के लिए रास्ता दिखाया। रीना फाउंड द रिवर, रीना ने रिवर को पाया, जो नदी के पास पहुंची, एंड फिल्ड हर वेसल्स, और अपने जो पानी का पात्र था, पानी का बर्तन था, जो पॉट लेके गई थी, उसको भरा। व्हेन शी रिटर्न्ड, जब वो वापस आई, द ओल्ड वुमन गेव हर अ बॉक्स, जो ओल्ड वुमन थी उसने उसको भी एक बॉक्स दिया। एंड टोल्ड, और कहा, क्या कहा? टोल्ड हर टू ओपन इट आफ्टर द रीच होम, उससे भी कहा कि जब आप घर पहुंचना तब इसको ओपन करना। रीना लेफ्ट, रीना वहां से चली, छोड़ी, यानी ओल्ड वुमन की हाउस को, विदाउट थैंकिंग द ओल्ड वुमन, बिना थैंक यू बोले, ओल्ड वुमन को बिना थैंक यू बोले वो वहां से निकल पड़ी घर के लिए। ऑन हर वे बैक होम, रास्ते में लौटते समय, जब घर के लिए वापस आते समय, रास्ते में ही रीना फेल्ट टेम्प्टेड टू ओपन द बॉक्स, रीना को बहुत ज्यादा एक होता ना कि अंदर से बहुत ही ये हुआ कि इसको ओपन करना चाहा। ही फेल्ट टेम्प्टेड, वो बहुत ही उतावली फील की। शी केप्ट थिंकिंग, वो लगातार सोचती रही, व्हाट कैन बी इनसाइड दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है? गोल्ड, ज्वेलरी, सोना चांदी या ज्वेलरी क्या हो सकता है? हर क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर एंड शी ओपेंड इट, और उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि उसने उसको ओपन कर दिया। आउट केम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, और जब ओपन की तो क्या पाई?
आउट केम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स के सारे शॉर्ट टुकड़े थे, इंसेक्ट्स से भरे हुए थे। द क्रिएचर्स केम आउट ऑफ द बॉक्स, जो निर्माण था, जो क्रिएचर्स है वो बॉक्स के बाहर आ रहा था। क्राउल ऑन टू द रीनास एंड स्टार्टेड बाइटिंग हर, वो क्या क्राउल मतलब क्या हुआ, एक दिस इज अ मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट, समझ में आ रहा है, क्राउल इज अ वर्ड ऑफ मूवमेंट जो कि मतलब होता है रेंगना, वो रेंगते हुए रीना के ऊपर आ गए एंड स्टार्टेड बाइटिंग हर, और उसको काटना शुरू कर दिए। शी गॉट होम ऑल हर्ट, और वो घर आते आते बहुत ही हर्ट हुआ उसको, बहुत ही नुकसान हो गया उसको, बहुत चोट आई यानी उसको बहुत पीड़ा हुई। रीना रियलाइज्ड, रीना को महसूस हुआ, रियलाइज किया उसने, दैट इफ शी हैड रिस्पेक्टेड, अगर उसने उस बूढ़ी औरत का रिस्पेक्ट किया होता एंड लिसन टू द ओल्ड वुमन, और ओल्ड वुमन को सुना होता ध्यान से, none of these would have happened to her, और तब ये सारी चीजें उसके साथ ना हुआ होती, ना हुई होती। She was ashamed, वो बहुत ही शर्मिंदा हुई of herself and decided to mend her ways. She was ashamed of herself, उसको अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी में शर्मिंदा हुई अपने ऊपर, and decided, और निश्चय किया क्या, अपने दूसरा रास्ता यानी जो नीना की तरह बनने के लिए सोचा। तो नीना यानी नैना इज अ गुड गर्ल, तो नैना की तरह बनने के लिए, नीना की तरह बनने के लिए कोशिश किया, मतलब शी डिसाइडेड टू मेंड हर वेज, अपना रास्ता उसने बदलने का निश्चय किया। दैट्स हाउ एंडेड द स्टोरी, समझ में आ गया सभी को? यस सर। बेटा सभी बच्चों ने एक एक पैराग्राफ पढ़ा, सभी ने उसकी हिंदी मीनिंग भी बताई, बहुत अच्छा लगा कि एवरीवन इज एबल टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द पैसेज द पैराग्राफ। Now what you all need to do? What is the next? You all have to answer these questions. ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिख करके आपको भेजना है, अपने मर्जी से आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर को डिस्कस भी करूंगा। सो यू ऑल हैव टू राइट, यू ऑल हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस सेक्शन बाई योर सेल्फ। ओके बेटा, सभी लोग भेजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई ना भेजे। अभी आपका एक घंटा आपके पास समय है, यू ऑल कैन सेंड विद इन वन आवर। Okay, that's all for today. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye.